हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। आज मैं आपको पीसीएस के लिए जो 2017 में जो भी होंगे, दो तीन पीसीएस हैं, एक तो यूपी पीसीएस है, एमपी पीसीएस और बीपीएससी, तो इसके लिए मैं आपके लिए हिस्ट्री में कुछ तथ्य लेके आया हूँ। तथ्यात्मक क्वेश्चन है जो अक्सर आ जाया करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो आप जवाब देंगे अवध को। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी थी? 1835 में। भारत में डाक टिकट किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। अवध के स्वायत्त राज्य की संस्थापक कौन था? अवध राज्य के स्वायत्त राज्य की, अच्छा, अवध का जो स्वायत्त संस्थापक था वो था आपका सादत खां। इसे जो है बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जानते थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित थी? वारन हेस्टिंग से। इस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने, अरे यार गलत छप गया है यहाँ पर, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवान बनाया, बिहार का दीवान बनाया? राजा सिताब राय, ये ध्यान में रखना है। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? चुकर सखिया, इंपोर्टेंट है ये, कई बार आ चुका है पीसीएस में। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित करी थी? मीर कासिम। ये हमेशा कंफ्यूज हो जाता है, मीर जाफर या मीर कासिम, तो मीर कासिम, कासिम याद कर लें से अच्छे से। बक्सर के युद्ध 1764 में जो हुआ था, किस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय, इंपोर्टेंट है ये। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में। डिंडीगुल क्या है? तमिलनाडु का एक शहर का नाम है डिंडीगुल। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? वॉरन हेस्टिंग के समय में। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय में, इंपोर्टेंट है ये। ठगों का दमन किसने किया था? लॉर्ड कर्नल स्लीमेन ने, याद रखना है। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? चूड़ामन ने, या चूड़ामणि, जिन्हें इन्हीं का नाम है ये, चूड़ामन या चूड़ामन, चूड़ा चूड़ामणि। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सूरजमल को, इंपोर्टेंट है ये। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? बंदा बहादुर ने। ये बंदा बहादुर के बारे में आपको पता होगा, ये 10वें सिख गुरु थे जो गोविंद सिंह, तो उनके बाद जो है इन्हीं को एक तरह से उनका जो है राज्य एक तरह से मिला था ये मान के चलिए। हालांकि जो 10 गुरुओं की जो परंपरा थी वो तो समाप्त हो गई थी, लेकिन उनके बाद जो है बंदा बहादुर जी आए थे, तो ये याद रखना है आपको। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? फर्रुख सियर। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? लाहौर। रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती थी? तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, सतलज नदी। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विजय अंग्रेजी राज्य में किया गया? ये तो उनका नाम है लॉर्ड एलन बरो। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले, डुप्ले ही लेके आया था ये सबसे पहले सहायक संधि, एक तरह से ये मान के चलिए। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप से किसने प्रदान किया था? लॉर्ड वेलेजली। ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो लॉर्ड वेलेजली है, और ये पूछा है भारत में किसने किया तो लॉर्ड डुप्ले। ये तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी आपको। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर। गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो उनका नाम है लॉर्ड डलहौजी।
डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ था? 1616 में ईस्वी में। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? लॉर्ड हेस्टिंग। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? कॉर्नवालिस, इंपोर्टेंट है ये। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? 1822, इंपोर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 1824 में। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल सच्चा सुधारों के लिए माना जाता है? विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? 1835 ईस्वी में विलियम वेंटेक ने। एक तरह से ये मान के चलिए बहुत ही ज्यादा रिफॉर्मर थे ये विलियम वेंटेक, हालांकि उन्होंने अपनी दक्षता दिखा के ये सारे कार्य किए। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1830 में। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ, इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? रैयत वाड़ी, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। बात करेंगे हम रैयत वाड़ी और जो भी ये तीन व्यवस्थाएं थी, स्थायी बंदोबस्त, इनके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा मैं। नरवली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? अर्थव्यवस्था। एक सेकंड, गलत छप गया यार ये भी नरवली वाला लॉर्ड विलियम बेंटिक ही है ये, लेकिन ये यहाँ पर गलत छप गया है, इसे छोड़ दें। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? जानते ही होंगे आप, दादा नौरोजी। भारत में टेलीग्राम लाइन किसके द्वारा शुरू की गई थी? कहाँ से शुरू की गई थी? कलकत्ता व आगरा के मध्य में, ये ध्यान में रखना है आपको। टेली ग्राम जो है, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित करी गई थी? मुंबई में। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? प्लासी के युद्ध के बाद, सभी को पता है ये तो। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? लॉर्ड क्लार्क ने बिछाई थी, जॉर्ज क्लार्क ने, ये ध्यान में रखना है। रेलवे लाइन बिछवाई थी, ये ध्यान में रखना है। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? जमींदारों को। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। रैयत वाड़ी व्यवस्था कब लागू गई थी, करी गई थी? 1820 में। और पहली बार औपचारिक रूप से मालवाड़ी प्रथा कब लागू करी गई थी? 1822 में, यानी सबसे पहले कौन सी है? इससे पहले रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी के बाद में आई मालवाड़ी। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। और ये अंतिम प्रश्न, 8वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल भी बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। जब तक पीसीएस का आपका एग्जाम हो रहा है, आप तैयारी करते रहें। जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुके होंगे, उन वीडियो को देखें और उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें। तो देखते रहें, धन्यवाद।